Assalamualaikum, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू Zaions. लास्ट वीडियो में हमने अपने बैकएंड लारावेल कोड में न्यूज API.ai को इंप्लीमेंट किया था. आज की वीडियो में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और न्यूज API.org इसको इंप्लीमेंट करेंगे और इसके साथ जो बाकी रिमेनिंग दो APIs है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आने वाली वीडियोज में हम फ्रंट एंड बनाएंगे और इस API को फ्रंट एंड में से कॉल करेंगे. चलते हैं वीडियो की तरफ. मैं यहाँ पे ब्राउजर को ओपन कर लूंगा और लास्ट टाइम हमने ये फ्रंट एंड में ये दोनों भी इंप्लीमेंट कर लिए थे. डेट को फॉर्मेट कर लिया था जैसे हमें चाहिए था और हमने पोस्टमैन में इसको भी कॉन्फ़िगर कर लिया था. हमारे पास ये डाटा प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा था. अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. मैं यहाँ पर बैकएंड का कोड ओपन कर लूंगा और यहाँ पर इसमें आ जाएंगे. यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये मेथड क्रिएट कर लिया था और ये काम कर रहा है. अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. इसको मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा, यहां से एक स्पेस कम कर दूंगा, यहां से भी. और अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे. इस मेथड को मैं बेसिकली यहां से कॉपी कर लूंगा. दोबारा ओपन कर लेंगे. ओके, ये हमारे पास है. इसी वजह से क्लोज का नहीं दे रहा. मैं इसको दोबारा एक दफा रिवर्ट कर लूंगा विंडो को. कभी कभी इशू आ जाता है. इसको ओपन कर लूंगा, ये अब आने लगता है. तो ये पहले नहीं था आ रहा और अब फिर ये चला गया. जैसे ही आया और फिर ये चला गया. इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इशू आया. ओके, अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं. ऐसा इशू तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन किसी वजह से ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ पे ना क्लोज का ऑप्शन नहीं दे रहा. मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लूँगा. फैच आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूज API.org. ये सारी चीज़ें हमें ऑलमोस्ट इसमें भी चाहिए. यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे, ये ओपन कर देंगे. ये हमारी API है. ये बहुत ही ये API थोड़ी इजी थी तो इसके लिए इनकी मेहरबानी. यहाँ पर हम आएंगे. ये जो क्लाइंट है उसको मैं लेट से यहीं पे क्रिएट कर लूँगा और क्लाइंट को कोई क्लोज का एक्शन है. ओके, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि अगर ये सेम ही चीज़ है तो क्यों ना हम इसे क्लास लेवल पे बना लें. ओके, प्राइवेट और इसको दिस क्लाइंट के तौर पे यूज करें ताकि चलें डुप्लीकेट ना होगा. उसके बाद ये हेडर्स हैं, ये यहाँ से कट कर लो, उधर आ जाओ. यहाँ पे कहीं पे एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है इसमें? ओके, ये कह रहा है कि इसमें नहीं स्पोर्टेड. कोई मसले वाली बात नहीं, हम इसको रहने देते हैं. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. ओके,
और उसमें client जिसको के हम equal कह देते हैं, this client equal to client, okay. अब इसमें वापस आते हैं और यहाँ पे मैं app helpers में आ जाता हूँ, static function get API request headers this और यहाँ पर app helper this और ये जी ये हो गया और इसके साथ इसकी जरूरत नहीं है, इसको this करें और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं अपने API रिक्वेस्ट ये है, इस API को मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ और इसमें से ये जो पार्ट है वो यहाँ पे रिप्लेस होगा, इसके बाद ये वाला पार्ट इसके साथ रिप्लेस होगा और जो क्यूरी होनी है वो हमारी API की वो ठीक है और कीवर्ड की बजाय यहाँ पे क्यू आएगा, बेसिकली क्यू लेटर और सोर्स आ सकता है जो कि बहुत ही अच्छा है, सोर्स उसको ऊपर ले जाऊंगा, ये नहीं है यहाँ पर, ये नहीं है, ये नहीं है, लैंग्वेज यहाँ पर एन आएगी और ये जो है ओआरजी आएगी, इसी के साथ इसका काम खत्म हो गया और बाकियों को अब मैं देखूंगा, सर्च इन ईटीसी सोर्स डोमेन फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम चाहिए यहाँ पे टू आ जाएगा जो कि टू है, लैंग्वेज पेज साइज और पेज ये बहुत ज़बरदस्त है और इसी के साथ मेरे ख्याल से हमारा काम हो गया। कैटेगरी कहाँ पे जा रही है, कैटेगरी यूआरआई पे आ रही है लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी यूआरआई एस सच है नहीं, तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा अभी के लिए और इसको देखेंगे ये कॉल नहीं हो रहा कहीं पर भी, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे फ्रॉम ओ आर जी ये और ये, यहाँ पे मैं इनको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है और इस चीज़ को अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे ये सही काम करती है कि नहीं। मैं वापस इस पर आता हूँ, सेंड ओके, ये कह रहा है कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग है, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको फिर एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं, हमने शुरू में इसीलिए इस चीज़ को स्टडी किया था ताकि हमारे लिए आसानी रहे। API की तो हम पास कर रहे हैं एज सच, उसकी हमारी मसला नहीं होना चाहिए और ये मैच भी कर रही है और इसके अलावा एज सच कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर भी नहीं है। ओके, मैं क्विकली जरा इसकी
यहां पे मैं इसको डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करके तो डीबग करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि मेरा डीबग करने का तरीका बहुत सिंपल और सीधा सा है। यहां पे आए और राउट गेट एक राउट भी फाइंड करें और डायरेक्ट इसको कॉल कर लें डायरेक्ट से। इसमें ये चीजें जो हैं डिफाइन करनी पड़ेंगी। कीवर्ड ओके सोर्स स्पेस साइज स्टार्ट डेट और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू ऑलमोस्ट ही है क्योंकि ऊपर भी डिफॉल्ट वैल्यू हो रही है तो मेरा नहीं ख्याल इसकी चलेगा। ट्राई करते हैं इसको यहाँ पे आते हैं लोकल होस्ट 8000 टेस्ट। इससे फायदा ये होगा कि जो ये मैसेज है ये होपफुली क्या ये कह रहा है टू फ्यू आर्गुमेंट्स ओके तो इसकी जो वैल्यू है वो फोर ये कह रहा है इंट होना चाहिए इसको मैं सबको एपी ही को सिर्फ रहने दे रहा हूँ बाकी सबको गाइड कर रहा हूँ ताकि समय लगेगा। ओके इसको इससे भी मसला है वाइड पैरामीटर ज्यादा से इसको क्यू में कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए।
ओके चलें ये तो ठीक हो गया। एक मिनट अगर ये है अदरवाइज मैं अनडिफाइंड सेंड कर दूँ तो क्या चलता है या नल तो चलता है। ओके और अगर मैं अनडिफाइंड ठीक है ये ऐसे सही हो गया इसका मसला था। एक से अपने देखना चाह रहा हूँ कि अगर इसके बिना सेल करता हूँ तो सही चलती है नहीं इसके बिना भी नहीं सही चलती है बस ठीक है। ओके नेक्स्ट अब हम इसको वापस उसमें टेस्ट करेंगे कि इसमें कॉल होता है सेंड और 6 सेकेंड नहीं है टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। चेक करते हैं अगर हम लोग ज्यादा ओके मैं इसको ट्राई करने लगा हूँ यहाँ पे कोड में आएंगे और उसका पहले बैकअप रख लेंगे ताकि एटलीस्ट जो काम कर रहा है वो खराब ना हो। बैकअप नेक्स्ट अब इसको ये हमने क्लाइंट बनाया है यहाँ पे वापस आते हैं इसने क्या कर रहा है ये क्लाइंट बनाने के बाद एसिंक कर रहा है गेट एसिंक ओके गेट एसिंक ये दोनों आगे और इसको रिटर्न यहीं से करते हैं इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसको भी रिटर्न यहीं से कर दो इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका रिस्पांस यहाँ पे सेव कर लेते हैं कितना टाइम लगा था अब ये प्रॉमिस चाहिए यहाँ पे आते हैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप हमने चेंज कर दी है और मेरे ख्याल से मैंने रिटर्न टाइप शायद गलत जगह पे चेंज कर दी ये रिटर्न टाइप यहाँ पे चेंज करनी थी ये ठीक है इसको इसको नीचे ले जाऊँ रिटर्न
get async और ये और अब प्रॉमिस भी यहां पे चाहिए प्रॉमिस इसके अलावा यहां पे वापस आएंगे यहां पर आ गए यही प्रॉमिसेस बना लेंगे सो इसको ये हो गया और उसके बाद responses और ये हो गया लेट्स सी देखते हैं कि ये एटलीस्ट रिटर्न क्या करता है क्योंकि इसको पहले मैंने ट्राई नहीं किया हुआ यहां पे आया सेंड और ये सेल ओके नॉट बैड ठीक है चल गया डन है और एटलीस्ट पहले से थोड़ा बेहतर है पहले ऑलमोस्ट इसने 6 सेकंड लिए थे अब 4 सेकंड पे आ गया तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतर इसकी जरूरत नहीं है अब इसको बेसिकली वो करके कमिट करके खत्म कर देते हैं जी यहां पे आए इसे इसको रिमूव कर दिया और इसकी जरूरत नहीं थी ये हमारा हो गया इसको कमिट कर देते हैं कि और नेक्स्ट अब मूव करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं द गार्डन एपीआई
इसको क्लोज कर देंगे, इसका काम हो गया। यहाँ पे नीचे शायद मैंने कुछ और भी बताया हुआ, अभी के लिए मैं सिर्फ इसी से रखी हूँ, बाद में देखेंगे इसको। ये गार्डन ए भी को हमने सेंड करना है, यहाँ पे इसको सारे को हमने स्टडी किया हुआ, इसको बंद कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ये है, इस रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेंगे, कोड में आ जाएंगे और यहाँ पर इसको ये कर लूँगा कमेंट, और इसको कॉल कर लूँगा फैच फ्रॉम द गार्डियन। यहाँ पे इसको कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब सबसे पहले इसको यहाँ पे एपीआई की चेंज हो जाएगी, आप ये और ये भी चेंज हो जाएगी। ये क्यू वही रहा है, तो क्यू को रहने देंगे। फॉर्मेट जरूरी है यहाँ पे, लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज यहाँ पे है, है अभी के लिए फॉर्मेट जेसन, टैग आ गया शो फील्ड्स ऑल, इसको हमने अपडेट किया था गार्डन एपीआई का, सॉरी गार्डन एपीआई का। क्यू और सेक्शन टैग ये जरूरी है, लैंग्वेज इसको लगा लें पहले। EN ये आपके सिर्फ इंग्लिश में से आए, फ्रॉम डेट टू डेट पेज और पेज साइज सोर्सेस शो फील्ड्स, यहाँ पे अपडेट किया था मैंने शो फील्ड्स को। हेडलाइन चाहिए बेसिकली, आप शो फील्ड्स या तो ऑल कर सकते हो या फिर
बस ठीक है। ओके इसको कॉल करो, सोर्स पे मैंने इसको देखना था। सेलेक्ट करते हैं एक दो और तीन, दैट्स इट। अच्छा ओके लेट्स से जायंस, आई डोंट थिंक दिस इज जायंस पे कुछ लिखा होगा, लेकिन देख लेते हैं। ये एपीआई काफी टाइम ले रही है, कोई नहीं, जैसे ही एपीआई रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है ओके हो गई। एसएसएल रीड दिस एंड दैट, एसएसएल लेवल आ गया।
इसको सेंड करते हैं, पहले डिफॉल्ट देती है, तो एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि पास होती है कि नहीं। ओके ये पास हो गई है, अब इसके साथ फिर एक दफ़ा टेस्ट करते हैं और इस दफ़ा एप्पल टेस्ट करते हैं। ओके और अगर मैं फिर ज़ायोंस को टेस्ट करूं, तो जीरो आर्टिकल्स। ओके और अगर मैं बस ठीक है यहाँ पे एक पे मसला होगा कि अगर एपीआई साफ एक एपी अगर फेल होती है तो सारी फेल हो जाएगी, ये मसले वाली बात है। इसको मैं रिवर्ट बैक कर रहा हूँ। फिलहाल ये एपीआई ये वाली इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन एक तो मैं इन दोनों का लॉजिक भी इस तरह अपडेट कर रहा हूँ, ये जो है स्टार्ट है टीटीसी वाला, और दूसरा मैं इसको जो है रिवर्ट बैक भी कर रहा हूँ कि इस तरह सबको एक साथ कॉल करने की बजाय मैं इंडिविजुअली कॉल करूँगा, ताकि अगर कोई एक आधी फेल हो जाती है तो बाकियों में से जो रिज़ल्ट आए हों वो शो कर सके, उससे थोड़ा रिस्पांस टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अभी लेट्स से कि इसके रिस्पांस टाइम अगर कुछ सही है आर्टिकल, एक न्यूज़ के आर्टिकल पे हमें दो ऑलमोस्ट 2.8 सेकेंड लगे थे, 2.86 व्हेन एम्प्टी ज़ायोंस ये सर्च किया था और इसको ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 18.44 सेकेंड लगे जब मैंने न्यूज़ को सर्च किया कंबाइंड। इसके फ्लो को चेंज करते हैं, पहले इसको बैकअप कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद पहले इन तीनों दोनों को अपडेट कर लेते हैं, और उसके बाद अपडेट करने के बाद इसके फ्लो को चेंज करते हैं, एसिंक से वापस सिंक में लेके आते हैं, और यहाँ पे जो है उसको जो वैलिडेशन है वो बाद में लगाएंगे, लेकिन सिर्फ पहले उसका टाइम चेक कर लेंगे। अगर टाइम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, एक आधे सेकेंड का आता है, तो फिर मैं अलहदा इंडिविजुअल पे जो है वो लगा दूँगा ट्राई कैच, ताकि मसला अगर किसी एक में आए और दूसरी से कुछ रिज़ल्ट आ रहा है तो कम से कम हम कुछ फ्रंट एंड पे शो कर सकें। तो पहले इन दोनों को रिफैक्टर करते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं।